डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम हेबरलस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पार्ट थ्री को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हेबरलस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन और अजम्पशंस को मैंने डिस्कस किया था। पार्ट सेकंड में इस थ्योरी में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स को मैंने डिस्कस किया था। और आज पार्ट थ्री में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रेड इक्विलिब्रियम, ट्रेड इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस, विभिन्न लागत स्थितियों में किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन होता है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम पहला केस ले रहे हैं ट्रेड इक्विलिब्रियम अंडर कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस, स्थिर लागत स्थितियों में किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन होगा, हम उसकी स्टडी यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर हम टू कंट्रीज, दो देश, जैसा कि मैंने अजम्पशंस में डिस्कस किया था, उनको हम ले रहे हैं। एंड वी अज्यूम वर्ल्ड में देयर आर ओनली टू कंट्रीज, विश्व में केवल दो देश हैं, ए एंड बी, एंड दीज टू कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज। ये दो देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस, इट मींस The marginal opportunity cost MOC is constant, सीमांत स्थिर लागत जो है, सीमांत अवसर लागत जो है वो स्थिर है। And if MOC is constant, it means constant returns to scale, पैमाने के समता मान प्रतिफल ऑपरेट हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हो रहे हैं। और अगर दोनों कंट्रीज में एमओसी कॉन्स्टेंट है, तो जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो जो उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होगा, वो लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा, वो सीधी रेखा के समान बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में ट्रेड इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पर एक बॉक्स डायग्राम हम ले रहे हैं, ये कंट्री ए, कंट्री ए के लिए एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, और इसी तरह से रिवर्स जब हम यहां से यहां तक लेते हैं, तो ये कंट्री बी के लिए यहां एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी इसका प्रोडक्शन। तो दो कंट्री हैं ए और बी, ए कंट्री के लिए जो वर्किंग होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, ये दो एक्सेस हैं, और बी कंट्री के लिए जो वर्किंग होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, ये दो एक्सेस हैं, एक्स कमोडिटी आ रहा है, वाई कमोडिटी आ रहा है। अब हमने अभी देखा कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, इसलिए बीपीसी जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, बीपीसी एक सरल रेखा की तरह होगा। तो यहां पर कंट्री ए का जो पीपीसी है वो, ये मान लीजिए कंट्री ए का पीपीसी है, और ये पूरा जो ब्लॉक आया है यहां पर, ये कंट्री ए का ब्लॉक आया है, ए बी सी। तो कंट्री ए का जो पीपीसी है वो बीसी है, स्ट्रेट लाइन है, और कंट्री बी का पीपीसी ये यहां पर डी ई सी, ये जो ब्लॉक आया है डी ई सी, ये कंट्री बी का ब्लॉक है। तो दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास यहां पर आ चुके हैं, और आप देखिए कि बीसी कंट्री ए का पीपीसी है, तो कंट्री ए अपने गिवन रिसोर्सेस से ए बी वाई कमोडिटी बना सकता है या ए सी एक्स कमोडिटी बना सकता है। यानी अगर अपने सारे रिसोर्सेस कंट्री ए एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगा दे तो वो ए सी एक्स बना सकता है, तो उस केस में वाई का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर वो अपने सारे रिसोर्सेस वाई में यूज करे तो वो ए बी क्वांटिटी वाई की बना सकता है, उस केस में एक्स का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। इसी तरह से कंट्री बी अगर अपने कंप्लीट रिसोर्सेस, अपने सारे रिसोर्सेस वाई के प्रोडक्शन में यूज करे तो वो ई सी क्वांटिटी वाई की बना सकता है, उस केस में एक्स का प्रोडक्शन जीरो होगा। और अगर वो अपने सारे रिसोर्सेस
एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज करे तो ईडी अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटी बना सकता है, तो उस केस में जो वाई का प्रोडक्शन होगा वो जीरो होगा। तो यहां पर दोनों कंट्रीज के पीपीसी को देखने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि ए कंट्री को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बी कंट्री को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ए देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए कंट्री एक्स बनाएगा तो अपने गिवन रिसोर्सेस से वाई के कंपैरिजन में एक्स कमोडिटी को ज्यादा बना सकता है। इसी तरीके से बी कंट्री एक्स के कंपैरिजन में वाई कमोडिटी को अपने गिवन रिसोर्सेस से ज्यादा बना सकता है, इसलिए ए कंट्री को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बी कंट्री को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब यहां पर अगर हम प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, व्यापार से पूर्व का जो संतुलन है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम मान लीजिए ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर नंबर वन है और ये जो पॉइंट है एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट ए कंट्री के लिए प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जो कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन पॉइंट दोनों है, जो कि उपभोग का बिंदु और उत्पादन का बिंदु दोनों है। यानी इंटरनेशनल ट्रेड जब नहीं हो रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, उस केस में मान लीजिए इस पीपीसी पर एफ पॉइंट पर ए कंट्री प्रोडक्शन कर रहा है, एफ पॉइंट ही उसका कंजम्पशन पॉइंट है, बिकॉज जो सीआईसी है जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर रहे हैं उसको इस पीपीसी को एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि जब ट्रेड नहीं हो रहा है उस केस में ए कंट्री एम अमाउंट ऑफ एक्स और एन अमाउंट ऑफ वाई, एम एक्स प्लस एन वाई इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं और ए कंट्री कम्युनिटी इंडिफरेंस कर नंबर वन पर है, तो ये सिचुएशन है ए कंट्री की ट्रेड जब नहीं हो रहा है उस वक्त। इसी तरह से जब हम बी कंट्री की बात करते हैं तो मान लीजिए क्योंकि बी कंट्री का ब्लॉक ये है तो यहां इंडिफरेंस कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा रिवर्स, ये मान लीजिए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व नंबर टू और ये पोजीशन है, ये जो पॉइंट आया है यहां पर के पॉइंट, दिस के पॉइंट इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ कंट्री बी, बी देश का यह उत्पादन और उपभोग का बिंदु है जब ट्रेड नहीं हो रहा है। अभी हम बिफोर ट्रेड बात कर रहे हैं, प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, व्यापार से पहले क्या स्थिति उसको देख रहे हैं। तो यहां पर इस पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी आ रही है एक्स और वाई की, अभी हम यहां से देखेंगे एस टी वी, तो आप देखिए क्या हो रहा है बी देश के लिए कि बी देश ई एस ई एस ई एस अमाउंट ऑफ वाई प्लस ई वी अमाउंट ऑफ एक्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि अभी दोनों कंट्रीज के पीपीसी हमारे सामने हैं, दोनों कंट्रीज जब ट्रेड नहीं हो रहा है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, तब उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट क्या है, उनका उत्पादन और उपभोग बिंदु क्या है, वो हमने देखा। ये एफ पॉइंट कंट्री ए का प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट है, के पॉइंट कंट्री बी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट है, और अब हम बात करेंगे कि अगर दोनों कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो फिर क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह के परिवर्तन आते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहां पर इन दोनों
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि उनके इंटरनल कॉस्ट रेशियोज को शो कर रहा है, जो कि उनके घरेलू लागत अनुपातों को दर्शा रहे हैं, उन दोनों के बीच में ये जो लाइन आती है ये है इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो शर्त है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उसकी रेखा है, ठीक है, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, और इसको हम यहां पर नाम दे देते हैं ZC। और अब दोनों कंट्रीज में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, दोनों देशों में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो अब वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, पूर्ण विशिष्टीकरण की तरफ जाएंगे। और अब कंट्री ए को क्योंकि एक्स कमोडिटी बनाने में उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, तो अपने सारे रिसोर्सेज एक्स के प्रोडक्शन में यूज करेगा और प्रोडक्शन पॉइंट सी हो जाएगा उसका आफ्टर ट्रेड, यानी अगर ट्रेड हो रहा है तब प्रोडक्शन पॉइंट क्या होंगे, उत्पादन के बिंदु क्या होंगे। तो आप देखिए पहले जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो वो एफ पॉइंट पे था, और जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वो जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो अब एफ से शिफ्ट होके कहां आ गया, सी पे, यानी एसी अमाउंट ऑफ एक्स में वो अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है। यानी यहां पर ए कंट्री ने अपने सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दिए, यानी जो वाई में रिसोर्सेज वो यूज कर रहा था वो उन्हें उधर उसने ट्रांसफर कर दिया है। इसी तरह से बी कंट्री भी अपना जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो सी पर लेकर आ जाएगा, यानी अपने सारे रिसोर्सेज वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज करेगा। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज का जो प्रोडक्शन पॉइंट है आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब स्टार्ट किया है, तब वो पॉइंट ए कंट्री का एफ से शिफ्ट होके सी पे आ गया, बी कंट्री का यहां पर के से शिफ्ट होके सी पे आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन पॉइंट बदल गए हैं। अब मान लीजिए कि कंजम्पशन पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व से, समुदाय उदासीनता वक्र से। तो यहां पर दोनों कंट्रीज के जो कंजम्पशन पॉइंट है उनको हम यहां पर लेने वाले हैं। मान लीजिए कि ये एक इंडिफरेंस कर्व और ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ये CIC3 और ये CIC4, और यहां पर CIC4 जो है वो कंट्री बी का कंजम्पशन पॉइंट है उसको शो कर रहा है, और CIC3 कंट्री ए के लिए कंजम्पशन पॉइंट को शो कर रहा है। तो यहां पर एक तरह से दोनों कंट्रीज का कंजम्पशन पॉइंट मान लीजिए यहां पर आ गया है, जहां ये दोनों इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसे हम नाम दे देते हैं यहां पर ओ पॉइंट। और इस ओ पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आते हैं उसकी अगर हम स्टडी करें, तो हम जो क्वांटिटीज चेंज हो रही है कंजम्पशन की उनको यहां पर हम लेकर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे सामने है, और यहां पर ये जी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, ये आई पॉइंट है, ये जे पॉइंट है। तो आपने देखा कि जो ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है जो रेड कलर में दिख रही है, ये आफ्टर ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के बाद किस तरह से कंजम्पशन लेवल में जो चेंजेस आए हैं उनको यहां पर ये शो कर रहा है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, ये जो डायग्राम हमारा बना है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे आफ्टर ट्रेड और प्री ट्रेड, क्या क्या चेंजेस कंट्री ए और कंट्री बी के प्रोडक्शन कंजम्पशन लेवल्स में आ रहे हैं, उत्पादन और उपभोग स्तर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, हम उसकी स्टडी यहां पर करने वाले हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं द टोटल आउटपुट, जिसे हम GNP कह सकते हैं, कि ओवरऑल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं, वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं उसको अगर हम यहां पर देखते हैं, तो आप देखिए कि पहले एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड AM
ए एन, ये ए कंट्री बना रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्स कमोडिटी की, ये बिफोर ट्रेड बना रहा था। बी देश कितना एक्स बना रहा था, ईवी, ईवी ये बी देश बना रहा था। ये कब बात कर रहे हैं, ये टोटल अमाउंट एक्स का बन रहा था जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था। ए एम अमाउंट इसमें से ए देश बना रहा था और ईवी अमाउंट बी देश बना रहा था। इस तरह से टोटल एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा था। और जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जब दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो अब ए देश ही एक्स कमोडिटी बना रहा है क्योंकि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन यहां पर हो गया, पूर्ण विशिष्टीकरण हो गया। तो कितना एक्स बना रहा है वो ए सी। अब देखिए ये टोटल एक्स का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो कितना हो रहा है यहां पर, एसी अमाउंट ऑफ एक्स, ये हो रहा है आफ्टर ट्रेड। अब आप कंपेयर करिए इस एएम अमाउंट और इस ईवी अमाउंट को, अगर मैं ऐड करता हूं और कंपेयर करता हूं इस एसी क्वांटिटी से, एसी अमाउंट से, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट दिस एसी इज ग्रेटर देन एएम एंड ईवी। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा था वो कम था, और इंटरनेशनल ट्रेड जब अगर दोनों कंट्रीज में होता है तो ओवरऑल एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन राइज हो जाता है वर्ल्ड में। इसी तरह से अगर हम वाई कमोडिटी की बात करें, वाई वस्तु की बात करें, तो आप देखिए वाई का प्रोडक्शन ए कंट्री कितना कर रहा था, ए एन, ए कंट्री कर रहा था ए एन, और बी कंट्री कितना कर रहा था, ई एस, ये बी कंट्री कर रहा था। एक बार फिर से देखिए, y का प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड, an अमाउंट कौन बना रहा है, a कंट्री, es अमाउंट कौन बना रहा है, b कंट्री, और इंटरनेशनल ट्रेड जब हो रहा है दोनों कंट्रीज में, तो अब y में स्पेशलाइजेशन जो कर रहा है वो b देश कर रहा है, यानी b देश की क्वांटिटी कितनी हो गई है, ec, b देश y की कितनी क्वांटिटी बना रहा है, ec, तो ये ec यहां पर आ गया है। और अगर हम फिर से कंपेयर करें कि EC अमाउंट ओवरऑल जो Y का प्रोडक्शन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद, वो पहले जो AN प्लस ES हो रहा था उससे ज्यादा है। यानी बिफोर ट्रेड Y का प्रोडक्शन कम हो रहा था और ट्रेड होने के बाद Y का प्रोडक्शन वर्ल्ड में बढ़ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ओवरऑल टोटल आउटपुट ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों वस्तुओं का विश्व में उत्पादन यहां पर बढ़ गया है, ओवरऑल जीएनपी राइज हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो ओवरऑल टोटल आउटपुट राइज हुआ है, इसका ए और बी कंट्रीज के इंडिविजुअल कंजम्पशन पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको हम देखते हैं। ये तो बात थी टोटल आउटपुट और जीएनपी लेवल की, कि आफ्टर ट्रेड और बिफोर ट्रेड जो हमने कंपेरिजन किया। अब हम बात करेंगे कि ट्रेड से पहले और ट्रेड के बाद, व्यापार होने से पहले और व्यापार के बाद, किस तरह से ए और बी कंट्रीज के कंजम्पशन पैटर्न्स में चेंजेस हुए हैं, उनका उपभोग स्तर किस तरह से बदला है, उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अब हम बात करेंगे कंजम्पशन लेवल की। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंट्री ए, अभी हम कंजम्पशन लेवल की बात करेंगे। कंट्री ए जब ट्रेड नहीं हो रहा था तब वो कम्युनिटी इंडिफरेंस का नंबर वन पे था, कम्युनिटी इंडिफरेंस का नंबर वन, ये एफ पॉइंट ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसका जो कंजम्पशन पॉइंट था वो एफ पॉइंट था। और इस एफ पॉइंट पर वो ए एम अमाउंट ऑफ एक्स प्लस ए एन अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। ए एम अमाउंट ऑफ एक्स एंड ए एन अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा था। अभी जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो आप देखिए वो कहां पहुंच गया है, कंट्री ए पहुंच गया है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व नंबर थ्री पे, ओ पॉइंट। और ये ओ पॉइंट क्या शो कर रहा है कि अब वो एक्स का कंजम्पशन कर रहा है ओ ए जी, ए जी अमाउंट ऑफ एक्स प्लस ए एच अमाउंट ऑफ वाई। अब देखिए
AH अमाउंट ऑफ Y एंड AG अमाउंट ऑफ X, ये अब वो कंज्यूम कर रहा है। यानी अगर हम कंपेयर करें A के कंजम्पशन लेवल को, A के उपभोग स्तर को, तो ट्रेड होने के बाद, व्यापार होने के बाद, A कंट्री इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ X एंड मोर ऑफ Y। A देश दोनों वस्तुओं का व्यापार नहीं जब हो रहा था उसके कंपैरिजन में पहले से ज्यादा उपभोग कर रहा है। और हम यहां से भी देख सकते हैं कि ए कंट्री पहले सीआईसी 1 पर था और अब सीआईसी 3 पर पहुंच गया, यानी उसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गया, ऊंचे उदासीनता वक्र पे आ गया, यानी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का लेवल, ओवरऑल संतुष्टि का स्तर जो है वो वहां पर बढ़ गया है। अब हम देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले एक्स की वो AM क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था और ट्रेड होने के बाद AG क्वांटिटी, तो कितना ज्यादा X कंज्यूम किया उसने, MG अमाउंट ऑफ X उससे पहले से ज्यादा मिल रहा है। इसी तरह से यहां देखें हम AN अमाउंट पहले वो Y का कंज्यूम कर रहा था और ट्रेड होने के बाद AH अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा है, तो कितना ज्यादा Y कंज्यूम कर रहा है, यहां आ गया HN अमाउंट ऑफ Y। इस तरह से हमने देखा कि A देश दोनों वस्तुओं का उपभोग, दोनों कमोडिटीज का कंजम्पशन ट्रेड होने के बाद पहले से ज्यादा कर रहा है। अब हम बात करेंगे कंट्री B की। इसी तरह से अब हम कंट्री B को देखते हैं कि उसका जो कंजम्पशन का लेवल है, उसका जो उपभोग का स्तर है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखिए कंट्री बी की बात करते हैं। कंट्री बी जब ट्रेड नहीं हो रहा था ईवी एक्स प्लस ई एस वाई ये कंज्यूम कर रहा और उसका कंजम्पशन पॉइंट जो था वो पॉइंट था के पॉइंट पर वो था और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 पर था। अब जैसे ही ट्रेड होता है तो ओ पॉइंट पे आ जाता है, कहां आ गया कंट्री बी, पॉइंट ओ पे, और पॉइंट ओ पे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर नंबर 4 पे, ये यहां पर आ गया। और अब देखिए अब क्या हो गया, ईजे अमाउंट ऑफ एक्स प्लस ई आई अमाउंट ऑफ वाई वो कंज्यूम कर रहा है। और आप देखिए कि पहले वो ई एस अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा था और अब वो ई आई अमाउंट वाई कंज्यूम कर रहा है, यानी पहले से ज्यादा एस आई। अगर हम देखें कितना वाई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो आया इक्वल्स टू एस आई। इसी तरह से पहले वो ई वी एक्स कंज्यूम कर रहा था और ट्रेड होने के बाद ई जे कंज्यूम कर रहा है एक्स, कितना ज्यादा एक्स कंज्यूम कर रहा है, VJ के इक्वल वो X कंज्यूम कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि कंट्री B में भी उसी तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले कि देश B भी अब पहले से ज्यादा X और Y कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद। तो हमने देखा कि दोनों कंट्रीज का प्रोडक्शन लेवल राइज हो गया, उत्पादन का स्तर बढ़ गया, तो ओवरऑल वर्ल्ड का टोटल आउटपुट या GNP का लेवल राइज हो गया और दोनों कंट्रीज का कंजम्पशन लेवल भी पहले से ज्यादा राइज हो गया है, उपभोग का स्तर भी पहले से अधिक हो गया है, दोनों कंट्रीज हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए हैं, ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच गए हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों लेवल्स इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद पहले से ज्यादा हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हुआ है उसमें किस कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है उसकी अगर हम स्टडी करें यहां पर, तो सबसे पहले हम कंट्री ए की बात करते हैं। कंट्री ए आप देखिए टोटल प्रोडक्शन वो क्या कर रहा है, OCX बना रहा है और जब हम कंजम्पशन पॉइंट पे जाते हैं तो हम कहते हैं AG उसने खुद कंज्यूम कर लिया, यानी GC जो एक्सपोर्ट किया, GC ऑफ एक्स कमोडिटी, ये जो GC एक्स कमोडिटी का ए कंट्री ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट्स हो गए ए कंट्री के GC अमाउंट, और उसके बदले में GO
जीओ अमाउंट, ये एक्सपोर्ट किसको किया उसने, बी कंट्री को, और बदले में जीओ अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी ये इंपोर्ट कर लिया, ये उसके इंपोर्ट्स हो गए, किससे किया, फ्रॉम बी, ठीक है, ये बी को एक्सपोर्ट कर दिया और ये बदले में वाई कमोडिटी का जीओ अमाउंट उसने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया। तो ट्रेड ट्राइंगल ऑफ कंट्री ए, कंट्री ए का ट्रेड ट्राइंगल क्या होगा, व्यापार त्रिभुज क्या होगा, ओ जी सी ये ट्रेड ट्राइंगल होगा। आप देखिए ये यहां से ये पूरा ओ जी सी, व्हाट डज इट इंडिकेट, कि जीसी अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की जीसी मात्रा का ए देश निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा बी को, और उसके बदले में जीओ अमाउंट क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। इसी तरह से जब हम कंट्री बी की बात करते हैं, बी देश की बात करते हैं, तो आप देखिए बी टोटल ईसी अमाउंट ऑफ वाई बना रहा है, उसमें से ई आई खुद रख रहा है, और आईसी आईसी अमाउंट ऑफ वाई वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है, किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ए देश को, कंट्री ए को, आईसी के इक्वल वाई उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और बदले में आईओ अमाउंट ऑफ एक्स उसने इंपोर्ट किया ए देश से, तो ये उसका एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया, और ट्रेड ट्राइंगल ऑफ कंट्री बी, बी का ट्रेड ट्राइंगल देखिए, ओ आई सी आईसी अमाउंट ऑफ वाई उसने एक्सपोर्ट किया है, और बदले में आईओ अमाउंट ऑफ एक्स वो क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो यहां पर आप देखिए कि दिस जीसी अमाउंट, जो जीसी है यहां पर, ये जीसी अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री ए इज इक्वल टू आईओ अमाउंट ऑफ जीसी अमाउंट ऑफ एक्स जो कंट्री ए एक्सपोर्ट कर रहा है इज इक्वल टू आईओ अमाउंट ऑफ एक्स जो कंट्री बी क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो जीसी और आईओ इक्वल हो गए, ये ए क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और बी ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, यानी ये ए के एक्सपोर्ट है जो कि बी के इंपोर्ट के इक्वल है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं जीओ अमाउंट, जीओ अमाउंट ऑफ वाई ये कंट्री ए ने इंपोर्ट किया है, ये कंट्री ए के क्या है, इंपोर्ट्स हैं, वो इक्वल है आईसी अमाउंट ऑफ वाई जो कंट्री बी के क्या है, एक्सपोर्ट्स है। एक बार फिर से देखें, जीओ अमाउंट ऑफ वाई इक्वल्स टू आईसी अमाउंट ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में, स्थिर लागत स्थितियों में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और यहां हम देख रहे हैं, अगर हम कंक्लूजन्स की बात करें, नंबर वन, ओवरऑल जीएनपी लेवल ऑफ द वर्ल्ड विल राइज, विश्व का जीएनपी का स्तर, टोटल आउटपुट का स्तर वो राइज होगा आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पश्चात। ओवरऑल वेलफेयर, द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इन बोथ द कंट्रीज, दोनों देशों में उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर जो है वो ट्रेड होने के बाद राइज हो रहा है, दोनों कंट्रीज के लोग हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पर पहुंच रहे हैं, ऊंचे समुदाय उदासीनता वक्र पर पहुंच रहे हैं। हमारा ये जो मॉडल था ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड था जिन्हें आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, वी अज्यूम दैट दोनों जो कंट्रीज हैं ए और बी, उनका साइज, उनका जो आकार है वो सेम है। सेकेंड थिंग, द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइज बिटवीन द डोमेस्टिक कॉस्ट रेशियो और इंटरनल कॉस्ट रेशियो ऑफ बोथ द कंट्रीज, बिटवीन द इंटरनल कॉस्ट रेशियो ऑफ बोथ द कंट्रीज,
जो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रेखा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त है, वो दोनों देशों के जो घरेलू लागत अनुपात है उनके एग्जैक्टली बीच में आ रही है। आप देखिए सेंटर में है, ये बी कंट्री का बीपीसी, ये ए कंट्री का बीपीसी, यानी दोनों का इंटरनल कॉस्ट रेशियो, और ये बिल्कुल इनके सेंटर में इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन आई है। तो ये कुछ अजम्पशंस आपको ध्यान रखनी है। नंबर थ्री, एक और जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन आपको लेनी है कि हर कंट्री को किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। तो किस तरह से कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में, स्थिर लागत स्थितियों में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसकी स्टडी हमने आज की है। और इस केस में हर कंट्री कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करता है, पूर्ण विशिष्टीकरण करता है। आज का हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू।